Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in this YouTube channel. Actually it is the channel of Ashish Dattatreya Lal. Today I am with you about a very important chapter, that is food. आज हम लोग food के बारे में जानेंगे, nutrition के बारे में जानेंगे, sources of food के बारे में जानेंगे, और जो food होता है वो plant और animal से प्राप्त होता है, तो कौन कौन सा food plant से प्राप्त होता है, कौन कौन सा animal से, इसके बारे में जानेंगे. उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे विटामिन्स का, मिनरल्स का, और उससे होने, उसके कमी से होने वाले बीमारी के बारे में, और फिर मेल न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे, अलग अलग बीमारी की जो इनकी कमी से होती है, और अंतिम में हम लोग चर्चा करेंगे ओबेसिटी का, कि कैसे अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो अति भोजन भट्ट लोग होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर भोजन ले रहे हैं, समुचित मात्रा में नहीं लेते हैं, जिनकी प्रवृत्ति होती है टेंडेंसी टू ईट मोर एंड मोर देन व्हाट इट इज नीडेड बाय दियर बॉडी, तो वो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, और ओबेसिटी लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. अब शुरू से लास्ट तक देखें, इसमें मैंने पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड क्या होता है. तो फूड जो होता है वो मेन सोर्स होता है जो कि हमारे लाइफ को नोरिशेज करता है. अगर परिभाषा की बात करें तो फूड इज़ द मेन सोर्स दैट सस्टेंस एंड नोरिशेज लाइफ. अब हम चाहे बढ़ें या हम जीवें, हमारे शरीर का विकास हो, काम करने के लिए ऊर्जा की बात हो, तो ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो सारे की सारी जो ऊर्जा है वो हमको भोजन से ही प्राप्त होता है, यही फूड है. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव. फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड बाय लिविंग बीइंग टू डू वर्क. इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. फूड इज द मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नॉरिशेज लाइफ. तो हमको काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और बीमारी से रक्षा के लिए भी हमको फूड की आवश्यकता होती है. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड का. सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब हो गया कि फूड हमको कहाँ से मिलता है. तो जितना भी जीव हैं उनको भोजन भोजन कहाँ से मिलेगा? तो या तो मिलेगा प्लांट से या एनिमल से, या और प्लांट या एनिमल के प्रोडक्ट से इनको एनर्जी मिलेगी. अब हम चर्चा करते हैं कि प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है. तो प्लांट से हम जितने तरह के सेरेल्स देखते हैं, अब सेरेल्स में क्या सब आता है? तो आप देखते हैं ना कि सेरेल ग्रेन्स जो होता है, जैसे मतलब व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सारा ये सब जो एनर्जी के जो मेन स्रोत हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट ही से प्राप्त होते हैं. उसके अलावा जितने तरह का हम दाल देखते हैं, पल्सेज लाइक ग्रीन ग्रैम, जिसको हम हिंदी में मूँग कहते हैं, ग्रैम मतलब चना होता है, फिर ब्लैक ग्रेम मतलब उड़द होता है, किडनी बीन्स जिसको हम हिंदी में राजमा कहते हैं, स्प्लिट रेड ग्रीम्स जिसको हम अरहर कहते हैं, या रेड लेंटिल जिसको हम मसूर कहते हैं, या फिर सोयाबीन जिसको हम भाटमा कहते हैं हिंदी में, ये सब क्या हैं? प्रोटीन के रिच सोर्स हैं हमारे डाइट में, और हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्लांट ही से ना प्राप्त होते हैं. इसके अलावा डिफरेंट टाइप का जो फ्रूट्स हो गया, जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटर मेलन और मेलन, ये सब जो प्लांट से प्राप्त होते हैं. उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनेच, मस्टर्ड, फेंग्रुइक, मेनी अदर वेजिटेबल्स लाइक रेडिस, लेडी फिंगर, टर्निप, कैरोट, ये सब भी हमको प्राप्त होते हैं प्लांट ही से. इसके अलावा जितना तरह का वेजिटेबल ऑयल है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो, सीसम ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जिसे हम खाना बनाते हैं, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सब हमको मिलते हैं प्लांट ही से मिलते हैं. इसके अलावा हम मसाला सब जो हैं, जीर हो, मरीच, हल्दी या इलायची, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, लौंग, तो ये सब हमको मिलता है कहाँ से? तो प्लांट ही से प्राप्त होता है. तो स्पाइसेज भी हो गया. संक्षेप में बात करें तो फूड फ्रॉम प्लांट में हो गया सेरेल्स, हो गया पल्सेस, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स और स्पाइसेज, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्लांट से प्राप्त होते हैं. अब हम चर्चा करते हैं कि एनिमल से क्या सब प्राप्त होता है. तो एनिमल से हमको मिल्क, एग, मीट और हनी प्राप्त होता है, और दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं.
तो इस तरह से हम देखते हैं। और देखते हैं ना कि दूध जो कितना कंप्लीट फूड माना जाता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जानवर ही से प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिएंट्स को क्या कैसे परिभाषित किया गया है। तो जितना भी हम दुनिया में भोजन कर लें, सब में सिर्फ जो है पांच चीज़ आप देखेंगे कि मोटा मोटी पाया जाता है, यही न्यूट्रिएंट्स। ये पांचों चीज़ क्या है? यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ये सब क्या हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर हम इसको लैंग्वेज में व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसको जो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कौन चीज़ के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, जो और मतलब फंक्शन के आधार पर भी कह सकते हैं। तो फंक्शन के आधार पर और मतलब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसके आधार पर, तो फंक्शन के आधार पर इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एक हो गया एनर्जी गिविंग फूड्स, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। और दूसरा हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसमें आएगा प्रोटीन। और तीसरा आएगा प्रोटेक्टिव फूड, इसमें आएगा विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा अलग अलग, इसका चर्चा करते हैं संक्षेप में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने जाना ना कि ये एनर्जी गिविंग फूड है। अभी बनता कौन चीज़ से है? तो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप जितना तरह का मतलब कार्बोहाइड्रेट लीजिए, उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। और इसका नामकरण जो किया गया है, ये कौन स्रोत से प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए कि दूध से प्राप्त होता है तो लैक्टोज, फल से प्राप्त होगा तो फैक्ट्रोज। तो इस तरह से इसका नाम है ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, हेक्ट्रोज, डेक्ट्रोज, लैक्टोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। और मतलब इसमें जो शुगर, स्टार्च सब पाया जाता है, लेकिन इसमें जब कभी होगा तो तीन ही चीज़ से मिलकर के बना होता है, भले ही इसका प्रोपोर्शन अलग अलग हो। तो ये तीन चीज़ क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन चीज़ से मिलकर के बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हम क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, टूटे फूटे भाग की मरम्मत होती है, उत्तक का मरम्मत होता है, शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है। और ये कौन चीज़ से बना होता है? तो इसमें भी कार्बन, जैसे हमने देखा ना कि कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन होता है और स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर और फॉस्फोरस होगा। मतलब माने बहुत कम मात्रा में इसमें सल्फर और फॉस्फोरस भी हो सकता है। बहुत तरह के प्रोटीन डिटेक्ट किए गए हैं। प्रोटीन के नमूना की बात करें तो 400-500 से ऊपर तरह का किया गया है। प्रोटीन बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत इस पर रिसर्च हुआ है। पाचन की बात करें तो एमिनो एसिड के रूप में मतलब ये होता है, इसका पाचन होता है। और आप देखेंगे कि आगे चल कर के कि कितने तरह के प्रोटीन होते हैं। सारा खेला प्रोटीन ही का होता है शरीर में। खुशी उत्पन्न करने वाला प्रोटीन, दुख उत्पन्न करने वाला प्रोटीन, या केमिकल सबको जो जैसे पॉइजन ही है, तो पॉइजन भी एक तरह का प्रोटीन ही है। तो अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन अगर मतलब हम न्यूट्रिशन के हिसाब से करें तो इसको इससे शरीर के का निर्माण होता है, शरीर का विकास होता है, टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। फिर आते हैं हम फूड पर। तो फूड कार्बोहाइड्रेट के तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है। और ये बना कौन चीज़ से होता है? तो जिससे कार्बोहाइड्रेट बना होता है उसी से फैट्स भी बना होता है। मतलब इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे कि विटामिन ए और डी फैट्स में सोल्यूबल होते हैं, या और भी डी ई के की भी बात करें तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। वहीं कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे बी सी, तो ये सब होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसी यही कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम मतलब विटामिन बी और सी खा ले लें तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ए का, डी का, ई का, अगर इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो इस शरीर में स्टोर होने लगेगा, क्योंकि ये फैट्स में सोल्यूबल है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं विटामिन्स का। विटामिन का कम मात्रा में ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इससे इसको हम प्रोटेक्टिव
न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। सूक्ष्म हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म मात्रिक कहते हैं, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, अगर समुचित मात्रा में ये नहीं चाहिए तो इसके कमी से बहुत सारी बीमारी हो जाती है तो और शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम भी कम हो जाता है। तो टू मेंटेन इम्यूनिटी सिस्टम, टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी सिस्टम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिजीजेज, वी नीड इन एडेक्वेट अमाउंट द विटामिन, वी नीड इन विटामिन इन एडेक्वेट अमाउंट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दे आर नीडेड इन ए स्मॉल क्वान्टिटीज ओनली, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, हाउ एवर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विदाउट विद इन आवर बॉडी। तो इस तरह से हम विटामिन को समझ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। और इसकी क्या आवश्यकता है, कार्य क्या है, तो नीडेड फॉर हेल्दी आइज, स्किन एंड टिश्यूज। आप देखते हैं ना कि कुछ कुछ आदमी को रात में नहीं देखने की बीमारी होती है, जिसको हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या किसी किसी का त्वचा जो सूखा सूखा सब रहता है, क्यों रहता है, तो विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ स्किन। उसी तरह से विटामिन बी की बात करें तो व्हीट, राइस, ईस्ट, लिवर, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्सेज में पाया जाता है। अब हमको स्ट्रॉन्ग जो मसल्स को बनाना है तो इसकी आवश्यकता होती है, और इसके कमी से बेरी बेरी हो जाता है नामक बीमारी हो जाती है और मसल्स वीकनेस भी हो जाता है। फिर विटामिन सी की बात करें तो साइट्रस फूड में ये पाया जाता है, और इसके कमी से स्कर्वी, स्पॉन्जी, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो सबसे अच्छा है कि धूप में हम थोड़ी देर बैठें तो उसे विटामिन डी मिलता है, और अगर मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में भी बहुत समुचित मात्रा में ये मिलता है। दांत को और हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और इसके कमी से रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बॉल लेग्स, देखते हैं किसी का पाँव मुड़ गया है, हड्डी मुड़ गई है, तो इससे बीमारी होती है। और विटामिन ई की बात करें तो ये वेजिटेबल्स ऑयल, लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो में पाया जाता है, इसके कमी से स्टरिलिटी होती है। विटामिन के की कमी जो है सो ब्लड को थक्के को जमने में मदद करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। अब हम विटामिन, इस तरह से हमने संक्षेप में विटामिन के बारे में जाना। अब इसी तरह से मिनरल्स भी है, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो हड्डी और दांत का जो निर्माण होता है कैल्शियम के मदद से होता है, और सोर्स की बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, और इसका कार्य होता है हेल्दी बोन्स और टीथ के निर्माण में। फॉस्फोरस भी वही काम करता है, इससे भी माने हड्डी का और दांत का विकास होता है। और मतलब आयरन की बात करें तो देखते हैं ना कि खून की कमी हो जाती है तो ये आयरन की कमी से हो जाती है, और रक्तहीनता की बीमारी जिसको हम अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं वो भी आयरन ही के कमी से हो जाती है। फिर आयोडीन एक बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रो मिनरल्स है, जिसके कमी से थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है, और मतलब गोइटर की बीमारी हो जाती है या हाइपर हाइपोथायराइड हो सकता है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं वाटर का। हम जानते हैं ना कि हमारे शरीर में 70% जो है सो पानी ही है, तो पानी क्यों आवश्यक है, तो जितना शरीर में के सेल में जितना भी रिएक्शन होगा सब के लिए पानी की आवश्यकता है, और शरीर से अपवर्ज्य पदार्थों का निष्कासन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसके लिए भी वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है। अब जितना तरह का जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ब्लड में हम देख लें कि इसमें भी ज़्यादा मात्रा में तो पानी ही है, तो बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो पोषक पदार्थों का परिवहन होता है उसमें भी इनकी भूमिका है। फिर है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद एक सबस्टांस है रफ है, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होता है लेकिन आंत का सही से संचालन करे उसके लिए रफेज की आवश्यकता होती है, और इसको लेने से
समुचित मात्रा में कंस्टिपेशन नहीं होता है, मतलब कि कब्जियत नहीं होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं डाइट का। डाइट जो होता है, हम जो भोजन करते हैं वही डाइट कहलाता है। द टर्म डाइट रेफर्स टू द फूड ईटन बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट में जितना पोषक पदार्थ है सब समुचित मात्रा में होना चाहिए। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब समुचित मात्रा में हम नहीं लेंगे तो बीमारी के शिकार हो सकते हैं, हमारा पोषण प्रभावित हो सकता है। तो इसी हिसाब से समुचित मात्रा में अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। और मेल न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है PCM यानी कि प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। और ये मेल न्यूट्रिशन के चलते जो बहुत प्रचलित बीमारी है और कॉमन बीमारी है जिसको देखा जाता है बच्चों में, बच्चे शिकार होते हैं, ये बीमारी है क्वासियोरकोर और मेरास्मस। तो ए चाइल्ड सफर्स फ्रॉम मेरास्मस व्हेन ही इज स्टार्विंग। तो मेल न्यूट्रिशन के वजह से रिटार्डेड ग्रोथ भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार में अति भोजन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, इससे उनका वजन बहुत बढ़ जाता है। सम इंडिविजुअल हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय दियर बॉडी। तो इससे ओबेसिटी हो जाता है और ओबेसिटी लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।